नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आईएनटी हिंदी टेक में। दोस्तों, जैसा कि आप अभी अपने सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस एप्लीकेशन को आप भली भांति जानते ही होंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले हमने इस पर वीडियो बनाया था कि आप अपने पेटीएम वॉलेट बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में बिल्कुल फ्री में कैसे ट्रांसफ़र कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन है क्लब फैक्ट्री। उस वीडियो को बनाने के बाद हमसे टेलीग्राम पर बहुत लोगों ने ये सवाल किया कि क्या यही ट्रिक हम क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र में लगा सकते हैं, यानी कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए लगा सकते हैं। अगर मैं चाहता तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर यही ट्रिक मैं आप सभी को दे सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ दिया पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र। अब कुछ लोग ये करते हैं कि पेटीएम वॉलेट में क्रेडिट कार्ड से लोड मनी करते हैं, फिर क्लब फैक्ट्री का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र वीडियो आने के बाद कुछ लोगों ने यूट्यूब पर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र रिलेटेड यही वीडियो बना डाला, जिसमें क्लब फैक्ट्री की मदद से आप ट्रांसफ़र कर सकती हैं। यहाँ पर ये बात सही है कि आप क्लब फैक्ट्री के मदद से क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे यूज़र हैं, जो रेगुलर हमारे वीडियो को देखते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो ज़्यादातर सोचा कि बना देता हूँ। दोस्तों, क्या है कि काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि 5000 रुपये आप एक बार में 5000 का परचेस करो, फिर कैंसिल करो, 4000 का परचेस करो, कैंसिल करो। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ आपको ट्रिक बताता हूँ, जो आपका दिल कहता है वही आप कीजिए। अगर आपको मन है कि नहीं 1000 का ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर परचेस करेंगे और 1000 रुपए ही ट्रांसफर करेंगे, तो आप 1000 ही करो, ज्यादा अमाउंट आप कभी भी कहीं भी ट्रांसफर ना करो ऐसे ट्रिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे और कौन कौन से सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि उस वीडियो में जो यूट्यूब पर पहले वीडियो आया उसमें ज़्यादातर विशेष बातें नहीं बताई गई है कि क्या क्या खतरा यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, आप अपने ईमेल आईडी और OTP के जरिए अपना पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर से भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त जब जाओगे तो वहाँ पर आपको सारा ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ट्रिक इसमें यह है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करो, जैसे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको ज़्यादा ट्रांसफ़र करके दिखाएंगे, लेकिन आप उस वीडियो पर मत जाइएगा, आपका जो दिल कहता है वही कीजिएगा, ठीक है। तो 3199 रुपये का एक मोबाइल फ़ोन है। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे ना, उसका टर्म एंड कंडीशन आप ज़रूर रीड कर लेना कि क्या टर्म एंड कंडीशन में ये क्या लिख रहा है। टोटल आप लोग टर्म एंड कंडीशन रीड कर लीजिएगा कि कौन से प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको बाई नाउ पर क्लिक करना है। बाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करके उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। आपका जो एड्रेस रहेंगे डिलीवरी एड्रेस, वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, जो कि शिपिंग एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं पेमेंट पेज पे। पेमेंट पेज पर आने के बाद क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की ऑप्शंस आ रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड वाले ऑप्शंस को क्लिक करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ पर जिस भी वॉलेट में, जैसे पेजैप वगैरह में अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, या फिर आई मुद्रा में पैसा फंसा हुआ है, तो आई मुद्रा का कार्ड को एक बार ज़रूर यहाँ पर इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। यह ट्रिक कब तक काम करेगा मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो ट्रिक है वो यूट्यूब पर पहले ही पब्लिक हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको सिंपल से कार्ड नंबर, जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, वो आपको एंटर करना है पूरा डिटेल के साथ। उसके बाद पे वाले बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए ये प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कार्ड नंबर डिटेल सारा कुछ डाल दिया है। डालने के बाद ये पेमेंट पेज पर जा चुका है। अभी जस्ट हमारे पास एक्सिस बैंक के तरफ से OTP आएगा पेमेंट के लिए। तो हमारे पास OTP आ चुका है, चलिए हम यहाँ पर OTP फिलअप कर देते हैं और पेमेंट को सक्सेसफुल कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए आप इस ट्रिक को यूज़ ना कीजिएगा। थोड़ा मोटा अमाउंट जैसे इमरजेंसी टाइम में आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो ही यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद पेमेंट जस्ट थोड़ा देर में ये कंफर्म हो जाएगा और ऑर्डर भी कंफर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पेमेंट कंफर्म हो चुका है। इसके बाद आपको माय ऑर्डर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके ऑर्डर हिस्ट्री में जाना है। ऑर्डर हिस्ट्री में जाने के बाद आपको यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर की एक ऑप्शंस नज़र आएगी, आपको ऑर्डर को कैंसिल कर देना है, ठीक है।
तो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए आप यहां पर टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। उसके बाद कंफर्म कैंसिल रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जब कंफर्म कैंसिल रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको कैंसिल का रीज़न बताना होगा कि किस रीज़न से आप यहां पर कैंसिल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई एक रीज़न सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम एक रीज़न सेलेक्ट कर लेते हैं कि ऑर्डर जो है बाय मिस्टेक हो गया है, उसके बाद कंफर्म कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म करोगे आपका यहाँ पर ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा और रिफ़ंड जो मिलेगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा बल्कि इसी एप्लीकेशन के बैलेंस के रूप में मिलेगा जिसे आप किसी भी बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर सकते हो। द व्यू माय बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं $44.57 यहाँ पर बता रहा है जो कि रिफ़ंड किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि पर डे के अनुसार से मैक्सिमम $70 ही आप यहाँ पर विड्रॉ लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग एक कोशिश कीजिएगा कि $40 से ऊपर का प्रोडक्ट आप परचेज ना करें। जैसे यहाँ पर हमने 3000 कुछ रुपए का यहाँ पर मतलब $44.57 का प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज कर लिया तो आपको जो ये अमाउंट मिलेगा ना वो आप पे करोगे रुपया में लेकिन रिफ़ंड मिलेगा डॉलर में, यूएस डॉलर में आपको रिफ़ंड मिलेगा। तो आपको यहाँ पर विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हैं। अब दोस्तों विड्रो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में दिखाया जाएगा कि एक यूएस डॉलर बराबर कितना रुपया आपको मिलेंगे तो यहाँ पर अभी 71.78 रुपये है। ठीक है, तो आप इसे पेटीएम वॉलेट में विड्रो लगा सकते हैं। तो इसके लिए तो हमें पेटीएम वॉलेट में यहाँ पर विड्रो नहीं लगाना है, बैंक ट्रांसफ़र करना है। तो बैंक ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक कर देना है। बैंक ट्रांसफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, ईमेल, आईएफएससी कोड और फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ डाल के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है जो कि इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ये क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखें कि किसी एक अकाउंट से यानी कि क्लब फैक्ट्री का किसी एक अकाउंट से ज़्यादा बार आप जो है प्रोडक्ट को कैंसिल ना कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश यही कीजिएगा कि छोटा अमाउंट ही आप ट्रांसफ़र करें। अगर एक बार में हो रहा है आप एक बार में छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करो फिर दूसरा बार में ही छोटा अमाउंट ट्रांसफ़र करो। ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाला ये ट्रिक नहीं है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर पब्लिक हो चुका है, ट्रिक कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम सारा कुछ डिटेल डाल देते हैं, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर सारा डिटेल एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद अमाउंट विड्रोवल वाले पर हमें क्लिक करना है। $44.57 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबमिट कर देना है। चलिए हम सबमिट कर दिए। सबमिट करने के बाद आप जो मोबाइल नंबर दिए रहोगे उस पर एक जो है वेरिफिकेशन ओटीपी भेजी जाएगी तो आपको यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देना है, उसके बाद आपको कंफर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है। चलिए हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ओटीपी एंटर कर दिया, उसके बाद कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया। कन्फर्म बटन पर क्लिक करने के बाद विड्रोवल जो है प्रोसेसिंग में है। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हैं $44.57। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे लोग कहते हैं कि आप जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाते हो तो यहाँ पर मैं उनको बताना चाहूँगा कि आधा अधूरा ज्ञान देना हमें नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबा हो रहा है तो आप वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट देख लो और आराम से ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र कर लो। लेकिन जिनको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, जिनको ये बताना पड़ता है पूरा विस्तार के साथ, उनके लिए ये वीडियो परफेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम यही चाहते हैं कि सभी यूज़र को अच्छे ढंग से समझ में आए ताकि उनको बार बार कोई भी परेशानी झेलना ना पड़े। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं वीडियो को 2 से 3 मिनट में भी ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक में अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है जो कि हम अभी आपको प्रूफ भी दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं एयरटेल पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट वाले एप्लीकेशन में। यहाँ पर आप रिसेंट ट्रांजेक्शन देख सकते हो, मनी रिसीव हो चुका है $3199.07। तो इस प्रकार से आप जो है ट्रांसफ़र कर सकते हो। याद रहे कि कोई भी वॉलेट जैसे पेजैप हो गया या फिर आई मुद्रा वॉलेट हो गया, इसमें अगर पैसा अटक चुका है तो इस प्रक्रिया को आप दोहराइए, यहाँ पर आपका पैसा सक्सेसफुल्ली निकल जाएगा। दूसरी नंबर बात बता दूँ कि जो भी बात हमने इस वीडियो में बताया है आपको वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं आगे आपके लिए और भी रिसर्च करूं और नया नया ट्रिक मैं लाते रहूं। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो आप वे ही चेक कमेंट हमें कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए INT हिंदी टेक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर प्रेस करना कभी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए गुड बाय।